हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरी सिस्टर्स। अभी मैं एक अंडा खरीदी तो 4 रुपए का तो आ ही जाएगा और ये 10 रुपए का, तो आई थिंक 20 रुपए में मेरा लंच हो सकता है। 6 रुपए का अंडा है। 6 रुपए का अंडा? हाँ। तो आज का मेरा डेजर्ट है ये हनी बेरी का केक। आप लोग को पता है कि हमने हमारी इंस्टा स्टोरी पर पोल डाला था बिकॉज वी वर कन्फ्यूज कि हम लोग अगली वीडियो क्या बनाएं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वोटेड फॉर 100 रुपीज चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो आज हम करने वाले हैं 1100 रुपीज 100 फॉर 24 आवर चैलेंज, जिसमें हमें पूरे दिन में 4 मील खाने होंगे, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड डेजर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली हमें थोड़ा दौड़ना पड़ रहा है हमारी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सारे स्ट्रीट वेंडर्स उठ जाएंगे नहीं तो, और हम लोग भूखे रह जाएंगे ब्रेकफास्ट में। चैलेंज खत्म चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा भाग भाग के चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। सादा और मसाला डोसा उत्तपा कितने है? सादा डोसा 20। क्या खाओगे? सोच रही हूँ मैं यही खा लूँ, सादा डोसा। मसाला डोसा खा लो। ओहो, मसाला डोसा बहुत महंगा, 100 रुपए हमारे पास है। इतने में कितना कैसे आएगा, इतने पूरे दिन का कैसे आएगा? इतने ले लो, जो लेना है चैलेंज। एक साधा डोसा कर दो भैया। अब मेरे 20 रुपए चले जाएंगे, मुझे बहुत दुख होगा। इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ 20 रुपए जाने का। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो मेरा सादा डोसा आ चुका है। अभी हम खाएंगे। हमें को बहुत भूख लगी थी, बहुत टाइम लग गया आने में। बहुत अच्छे है, इतनी भूख लगेगी ना कि सब अच्छा लगेगा। तो मेरे अभी 20 रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी कितने बचेंगे? 80 रुपीज बचे हैं पूरे दिन के लिए। देखते हैं मैं कैसे सर्वाइव कर पाती हूँ। और इस चैलेंज में एक ट्विस्ट भी है कि लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे वो विनर होगा। तो एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। अभी खाना है। तो सपना क्या ले रही है तू? मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा प्लेट? ओह शिट, 25 रुपए इधर ही खत्म। अरे क्या ही, तो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया है। 25 रुपए बहुत ज्यादा महंगा है 100 रुपए के हिसाब से। अभी देखते 10-10 रुपए में काम तक चलाना पड़ेगा। आ गया मेरा मेंदू वड़ा, देखते हैं खा कर मेरा पेट भी भरेगा कि नहीं। 4 में तो भर ही जाएगा, ज्यादा नाटक मत कर। कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं बहुत टाइम बाद मेंदू वड़ा खा रही हूँ। स्ट्रीट पर आके खाने की एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास सांभर या चटनी खत्म हो ना, तो आप वापस मांग सकते हो घर पर। घर पर ऑर्डर करे तो ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी लंच के लिए वापस आना पड़ेगा। पर इतनी धूप है ना, इतनी धूप है ना, मेरी पीठ जल रही है यहाँ पे खड़े खड़े। अब ब्रेकफास्ट में ये हाल है तो लंच के टाइम पे क्या होगा। सच में लंच में फिर नीचे आना पड़ेगा, वो भी एकदम कड़क धूप में। मेरे तो पैर जल रहे हैं नीचे। सच्ची में मेरे भी जल रहे हैं बहुत ज्यादा। पूरे होने चाहिए, आगे भी पैसे चलाने हैं। कितने बचे तेरे पास? 75। शिट, अभी चला लूंगी, देख लेना। अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, बहुत भूख लग रही है। सुबह खाया था हमने, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही नाश्ता, पूरा हजम हो गया। चल चल के तो पूरा ही हजम हो जाता है धूप में, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया खाया हुआ। अभी देखते हैं हमारे कितने पैसे बचेंगे रात के लिए भी अभी। और मेरा तो लंच का अलग ही आइडिया है जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। तो तब तक हम लोग सपना के लंच के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं उसको क्या मिलता है लंच में। हाँ, so stay tuned। पेट भी भर दे मेरा। वो ही पेट भरना चाहिए बस, और क्या। हाँ। तो सपना क्या ले रही है अभी लंच के लिए? मैं सोच रही हूँ गन्ना जूस पी लूँ, इससे मेरा पेट भरेगा तो नहीं, देखती हूँ आगे तो कुछ खाऊंगी। खाने का सोच रही है कुछ? हाँ ठीक है, पहले गन्ना जूस पी ले तू, आगे हाँ। देख लेना तो मेरा पेट भर जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्या खाने वाली है? पता नहीं, देखते अभी चलते चलते कुछ दिखा अच्छा जो बजट में हो तो खाएंगे। चलो चलो। क्या लिया? समोसा पाव मिल गया। हाँ, 12 रुपए का एक। चलो अच्छा है। Are you happy? कैसा लगा? मुझे किसको? तो दीदी क्या खाने वाले हो अभी आप? मैंने सोचा हुआ था कि मैं पाव लूँगी दो, ठीक है, और मैं एक अंडा ले लूँगी और उसका मैं ऑमलेट बना के पाव के साथ में खा सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने अभी पाव ले लिए है और साथ में मेरे को एक स्मूदी भी मिल गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। 10 रुपए कितनी छोटी है, छोटी स्मूदी है ना, ये टॉफी कैरमल फ्लेवर में है, तो ये 10 रुपए की है। तो मैंने सोचा कि दो अगर दो पाव में पेट नहीं भरा थोड़ा पी लूँगी तो फुल हो जाऊँगी मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी देखते हैं। और मुझे पाव दो पड़े हैं 6 रुपीज़ में, अभी मैं एक अंडा खरीदूँगी, शायद 4 रुपए का तो आ ही जाएगा और ये 10 रुपए का, तो आई थिंक 20 रुपए में मेरा लंच हो सकता है। 6 रुपए का अंडा है? इतना महंगा कब हो गया देश? सो माई लंच इज रेडी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दो पाव ले रही हूँ और एक अंडा, तो मैंने ऑमलेट बना लिया है और इसमें मैंने दो पाव ले लिए है और ये मेरी स्मूदी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी इतनी छोटी सी है। पेट भर जाना चाहिए, आई होप भर जाए। ये अंडा मैंने घर पर ही बनाया है, डोंट वरी, मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, खाली नमक ऐड किया है। अच्छी बनी है तो मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। सुबह में मैंने वो पेपर जैसा डोसा खाया था, मेरा पेट ही नहीं भरा उसमें, इतनी भूख लग रही थी ना। आने जाने में ही सारा खाना हजम हो जा रहा है, इतनी धूप में आना जाना। हाँ, मेरा तो जो मैंने समोसा खाया वो ओके ओके था, बस खाने के लिए पेट भरने के लिए खाया मैंने। ये टेस्टी है, सब लोग को ट्राई करना चाहिए। वैसे ही स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं हो भी नहीं सकती। बड़ी अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करो। टॉफी कैरमल है इसका फ्लेवर। तो अभी हम आप लोग को मिलते हैं डिनर के टाइम पे, सो कीप ऑन वॉचिंग। लेकर आ चुकी हूँ और मैं लेकर आई हूँ बिरयानी। ये रही मेरी बिरयानी, देखते हैं। 40 रुपीज़ की है ये,
दिखने में तो अच्छी दिख रही है। ये देखो, ये स्पून मुझे घर से ही लाना पड़ा, और साथ में मिला ये कचुम्बर। ये रही बिरयानी, दिखने में तो अच्छी दिख रही है, अब देखते हैं खाकर। बहुत टाइम हो गया मुझे बिरयानी खाए, एक्चुअली चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी लाइक 40 रुपीज में मिल गई, बहुत बड़ी बात है। मैं कचुम्बर नहीं खोलूंगी क्योंकि मुझे बिरयानी, मेरी सिर्फ नॉर्मल बिरयानी खानी पसंद है, कचुम्बर के साथ ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब देखते दीप्ति दीदी क्या लाई अपने डिनर के लिए। तो सपना ने तो अपनी बिरयानी खा ली है, मेरे को उसकी बिरयानी देख के ना वो हो रहा था ना, बट अच्छा उसको 40 रुपीज में बिरयानी मिल गई, और मुझे मेरे को भी अच्छा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टोस्ट सैंडविच लिया है, और वो जो सैंडविच वाले भैया थे वो बहुत स्वीट थे, उन्होंने, मैंने उनको बोला कि हम वीडियो बना रहे हैं, वो सब ऑब्वियसली मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज था, तो मैंने उनको बोला कि हम वीडियो बना रहे, तो उन्होंने मेरे को लिटरली 3 लेयर सैंडविच बना के दिया। वो ऐसा किसी को बना के देते नहीं, बट उन्होंने मेरे को बना के दिया क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाए, तो अभी मैं सब इसका कोई यूज़ ही नहीं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट, मेरे को तो लग रहा है टेस्टी होगा बहुत। उन्होंने बहुत हैवी बनाया है, दैट इज अ गुड पार्ट। वैसे ये सैंडविच मेरे को 40 रुपीज में मिला, आई थिंक बहुत हैवी है ये सैंडविच, 40 रुपीज में तो बहुत अच्छा मेरे को मिल गया डील, तो अब मेरे को खाने दो, अभी हम डेजर्ट पे मिलते हैं। तो मैंने डेजर्ट में मलाई ली है, ये कितने की पड़ी? 15। हाँ तो ये मैंने 15 रुपीज की ली है सोया। तो आज का मेरा डेजर्ट है ये हनीवेल का पाव केक है। ओके तो आज का मेरा डेजर्ट है ये हनीवेल का केक, ये भी मेरे को 10 रुपीज का ही पड़ा, और देखते हैं अब कैसा, पता ही है मुझे तो अच्छा ही होता है ये, अभी ठीक ही नहीं रहा है। नो अमेरिकन नहीं है ये, फुल नहीं रहा। मच 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 लेटर। ये मेरा फेवरेट है, ये एक टाइम था जब मैं इसको रोज खाती थी, बहुत मस्त है। मजा आ गया। सो एवरीवन, अभी डेजर्ट टाइम आ चुका है, और मैं अपनी फेवरेट चीज ना खाऊं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने ली है ये मीठी मलाई, जो मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं मेरी मम्मी को लिटरली बोलती थी मम्मी चिक्का दूध लेकर आओ, या आप लोग की लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी लिटरली एक एक लीटर दूध लाके ये बनाती थी, मेरा इतना फेवरेट है। और ये मुझे डेजर्ट 15 रुपीज में आया, तो आई थिंक अच्छा ही है। सो लेट्स ईट। वो तो मैंने कुछ और ही सोचा था डिजर्ट में लेने के लिए, बट ये मुझे दिख गया, मैंने सोचा, मैंने सपना को भी बोला कि अगर ये दिख गया तो मैं कुछ और कैसे ले सकती हूँ, ये तो सबसे फेवरेट चीज है मेरी, और इतना टेस्टी है ना। अगर आप लोग ने ये खाया है तो कमेंट में बताना, और अगर आप लोग को ये पसंद है तो लाइक कर देना वीडियो। तो अब मेरे पास बचे हैं 3 रुपीज, पूरे दिन में खर्चा हो गया सारे पैसे, और कितने बचे? 3 रुपीज बचे मेरे पास। तो आई थिंक मेरा चैलेंज यही खत्म होता है, मुझे बहुत मजा आया और बहुत भूख भी लगी क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा इतना हैवी नहीं हुआ, बट ठीक है मैंने चैलेंज पूरा किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे पास भी बचे हैं 3 रुपए, और ये चैलेंज हम दोनों का टाई हो चुका है। दीदी आपको कुछ बताना है हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में? हाँ, तो मेरे को ये बोलना था कि जिन भी लोगों ने 200 रुपीज चैलेंज फॉर 24 आवर्स के लिए वोट किया था, डोंट वरी, हम लोग वो वीडियो भी बनाएंगे।
क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, मतलब 54-43 का परसेंटेज रेशियो था, मतलब ज्यादा डिफरेंस भी नहीं हाँ, था लोगों को, वो भी वीडियो देखनी हाँ, थी मतलब 200 वाली भी, 200 वाली देखने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग वो वाली वीडियो भी बनाएंगे, तो डोंट वरी। और अब ये कर लिया है तो 100 वाला कर लिया है तो 200 वाला ज्यादा चैलेंजिंग तो नहीं होगा, बट एक्साइटिंग होगा। और अगर 100 में हम सर्वाइव कर लिया हम लोगों ने पूरा दिन, तो 200 तो हम आराम से कर लेंगे यार। तो सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, कमेंट व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट, शेयर विद योर फूडी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और घंटा दबाना मत भूलना। बाय।